जी मोहतरमा मेहनाज अकबर अजीज साहबा। सर मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि ये बिल अभी तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ है। 2014 में ये बिल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का नेशनल असेंबली से पास हुआ था, बट सेनेट से रह गया था और अपने स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस बिल को जो ये लाना चाह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे साइड्स करें, लेकिन इस बिल को आप सेपरेट कंसिडर कीजिए। जी डॉक्टर शीरी मजारी साहबा। स्पीकर साहब, मुझे तो नहीं पता कि ये बिल पिछली असेंबली का, वो तो अब इट्स अनदर इशू। हम दूसरा बिल ला रहे हैं, हम उसी बिल को वापस नहीं ला सकते, इनको भी पता है। वो बिल तैयार है, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आज प्राइवेट मेंबर्स डे, इस वास्ते टेबल नहीं हो सका आज, उनके पास है, दे शुड बी पुटिंग इट ऑन द एजेंडा। इस वास्ते मैं कह रही हूँ कि क्योंकि हमने ऑलरेडी बिल बना लिया और हम टेबल करने वाले हैं, एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट बिल ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, सो वी अपोज इट। जी अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ, सवाल यह है कि बच्चों को जिस्मानी सजा देने की मुमानियत के लिए इकामात वाजा करने का बिल, इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इम्तना जिस्मानी सजा बिल 2019 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब नहीं में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं दोबारा एक दफ़ा इस बिल को पेश करता हूँ, वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। आइटम नंबर 18, मोहतरमा मेहनाज अकबर अजीज साहबा आइटम नंबर 18 पेश करें। इसका उन्वान बताएं जी, मुख्तसर उन्वान जो ऊपर लिखा हुआ है। जी जी सर, अल्लाह सर, प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन, द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल 2019। सही जी, मस्कूरा बिल पेश कर दिया गया है। आइटम नंबर 19, जनाब मोहसिन दावर साहब आइटम नंबर 19 पेश करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, फाइनली ये बिल आज मौका मिल ही गया इसको पेश करने का। जनाब स्पीकर, आई टेंड टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड पाकिस्तान पिनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2019, Section 365C. जी इसके बारे में थोड़ा तफसील। जनाब स्पीकर, बुनियादी तौर पर ये जो बिल है, ये enforced disappearances जो कि बहुत ही ज्यादा बर्निंग इशू है आजकल हमारे पश्तून बेल्ट में भी, बलूचिस्तान में भी लोग मिसिंग है 8-8, 9-9 साल से, उनको ये पता नहीं है कि उनका ट्रायल कब होगा, शुरू होगा भी नहीं होगा। तो उनको बुनियादी इस चीज को क्रिमिनलाइज करने की कि अगर कोई पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो भी हो, जिनके बाजू के तो हम यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकते, जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो, उसके लिए कानून में एक मखसूस पनिशमेंट हो। तो इसके लिए यह अमेंडमेंट आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो इसमें हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट सजेस्ट की है उनके लिए जो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो और वो किसी भी सतह पर इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में मुलविस हो। सही जी। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आप बताएं आप इसकी मुखालफत करते हैं या इसकी। अली मोहम्मद खान साहब, सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर ये इशू है और काफी सीरियस है, इससे कोई इनकार नहीं है सर। जी अच्छी बात है, तो मैं भी फिर
मुझे भी शामिल करने सारा स्टाफ जी आप बताएं जी आप इसकी मुखालफत में हैं या इसकी सर इस वक्त इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो इसको कमेटी में अगर भेज दें वहाँ इस पर डिस्कशन हो जाए क्योंकि इसमें जो सज़ाएँ वगैरह तजवीज़ की गई हैं वो भी बड़ी सख्त हैं और जिस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का इशू बड़ा अहम है लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी भी जो है हम सबको पता है कि जिस तरह के थ्रेट्स हमें हैं मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इसको कमेटी में भेज के वहाँ पर फिर इसको थ्रेट भी डिस्कस किया जाए। ठीक है जी, थैंक यू सर। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि मजमुआ ताज़ियात पाकिस्तान 1860 और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम करने का बिल फौजदारी कानून तरमीमी 365 जीम पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब नहीं में है लिहाजा बिल मैं एक दफ़ा दोबारा कहता हूँ जी। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब नहीं में है। आइटम नंबर 21 कमेटी में तो जा रहा है जी। हाँ जी, मैं दोबारा एक दफा पुट करता हूं जी इसको दोबारा एक दफा। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब नहीं में है लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। आइटम नंबर 21 जनाब रियाज फतियाना साहब आइटम नंबर 21 पेश करें जी। शुक्रिया जनाबी स्पीकर। आप दो दफा में तीन दफा में कर चुका हूं जी। हाँ ना आई जनाब स्पीकर आई मूव फॉर लीव टू जी रियाज फतियाना साहब जी जी अली मोहम्मद खान साहब एक मिनट जी जी। सर मैं ये अर्ज कर रहा था अपोज तो हम इसको कर ही नहीं रहे थे। आई डोंट नो कि इस पे वोटिंग की जरूरत है। मैं तो ये रिकमेंड किया था कि इसको कमेटी में भेज दें वहाँ इसको डिस्कस कर लेंगे। उस पर तो वोटिंग की मेरा नहीं ख्याल जरूरत थी सर। ठीक है जी, मैं काउंटिंग करवा देता हूँ जी। जी काउंटिंग करें जी, जो इसके हक में है वो खड़े हो जाए। बस ठीक है जी। बैठ जाएं जी। अब वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में हैं वो खड़े हो जाएं।